बोलते हैं क्लिक करते जाना। ये क्या बोल रहे हैं?
कनेक्ट हो गया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا القاسم محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صلوات الله عليه नेक्स्ट टाइप की जाएगा वसीयत और विरासत के मौजू पे ये हमारी वर्कशॉप हो रही है। क्यों मौजू है जो हमारी जिंदगियों में इसका बहुत एको आ रहा है डबल ट्रिपल की आवाज आ रही है हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी में बहुत से फ्यूचर में बहुत से ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं उनमें से अक्सर के बारे में हमें यकीन नहीं है कि वो होंगे हमें नहीं यकीन के मन के साथ यहाँ पर होंगे या नहीं होंगे यकीन कि हम अपने या मैं अपने पोतों को देखूंगा या नहीं देखूंगा। लेकिन एक बात है हमारी जिंदगी में ऐसे होने वाला है जिसके बारे में किसी को भी कोई इख्तलाफ फ्यूचर में नहीं है कि वो हमारी जिंदगी में होगा। वो कौन सा वाक्य है? एक ऐसा हादसा जो हमारे साथ होने वाला है जिसके बारे में आप कह सकते हैं यकीन के साथ होने वाला है वो मौत है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं घर खरीदते हैं घर की इंश्योरेंस करवाते हैं क्यों इंश्योरेंस करवाते हैं फ्यूचर को सिक्योर कर देंगे ये फ्यूचर रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। ये वर्कशॉप है तो इसमें इंटरेक्टिव होगी मोनोलॉग नहीं है तो जहाँ क्वेश्चन हो आप आधार कर ले इंटरप्ट कर ले जहाँ पर क्वेश्चन होगा तो हमारे टॉक के साथ रिलेटेड हो। तो अभी सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप इंश्योरेंस खरीदते हैं ठीक है फायर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के सब कुछ एजुकेशन इंश्योरेंस बाहर के मुल्कों में एजुकेशन इंश्योरेंस भी होती है तो इसका मकसद ये होता है मिनिमाइज करना। तो वो वाकया जो अभी हमारे जिंदगी में पोटेंशियली वाकया रूनुमा हो सकता है गाड़ी चोरी हो सकती है घर में आग लग सकती है उसको बचाने के लिए आप इतना काम करते हैं। तो जो हमारी मौत ऐसा इंसिडेंट है जो हकीकी है और होने वाला है उसकी जो रिस्क हैं और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने कितनी तैयारी की है पहले क्वेश्चन है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको यकीन है कि होने वाला है देखिए तो हमने उसकी तरफ कम तवज्जो दी है ना। मौत के साथ बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं आपका इस रिश्ता इस दुनिया से कट जाता है आपके माल का ताल्लुक आपके साथ कट जाता है क्या होता है आपके माल को आपकी मौत का वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज ये कि हमें उस इवेंट जो के सिलसिले में जो हमारी जिंदगी में होने वाला है तैयारी करने की जरूरत है लर्न करने की जरूरत है अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। तो आज की वर्कशॉप की तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसी हवाले से कीजिएगा। पहला के क्या मुझे वसीयत करनी चाहिए क्यों करूं वसीयत अगर नहीं करता तो क्या होगा। नेक्स्ट इर्स के अहकाम को समझना ये भी आज के वर्कशॉप की ऑब्जेक्टिव्स में से कि आप इर्स के अहकाम को समझिए कि डायनामिक्स क्या है इनहेरिटेंस के लॉज कैसे वर्क कर रहे हैं। हमें से अक्सर लोगों को अंदाजा नहीं है कि विरासत के कानून किस तरह से इन प्ले आते हैं
और उस वजह से बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, नस्लें झगड़ती रहती है, और बहुत सारों को जिनके लिए शायद आप दर्द रखते हो कि इनको मेरे माल में से मिले कुछ, अगर आपको कानून का नहीं पता होगा तो ऐन मुमकिन है कि उनको कुछ ना मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, जिनसे उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है ना वो सेफ गार्ड नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको वसीयत की अहमियत का पता हो, अहकाम इर्स का पता हो, आप आपकी वसीयत को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। वसीयत के बारे में बहुत गुफ्तगु होती है, वसीयत लिखनी चाहिए, वसीयत लिखनी चाहिए, लेकिन लोगों का एक प्रॉब्लम ये होता है वसीयत क्या लिखी, वसीयत और दोनों को जब समझ लेंगे तब आप एक अच्छी वसीयत लिख सकते हैं, वरना है मुमकिन है कि जो आपने जो वसीयत लिखी हो इस्लामी तौर से वो वसीयत ही नल एंड वॉइड हो जाए। आप जो पेपर में लिखेंगे बेमाने वसीयत, जरूरी नहीं है कि वो शरी तौर पे एप्लीकेबल हो। आपने तो अपने तौर पर लिख दिया कि इसको ये मिल जाए, इसको ये मिल जाए, लेकिन जब आपके मरने के बाद आपके मिशर के पास आएगी या शरीर निगाह उस पर पड़ेगी, ये वसीयत वो आप जो चाहते थे कि अचीव हो वो अचीव हो नहीं पाए। इसलिए ये तीन चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव्स में से ये समझ में आ गई आपको, बाकी आप डिटेल जो है वो खुद ब खुद फिगर आउट कर लेंगे। और ये जो हमारा 1.5 घंटे का सेशन तो आपको वसीयत के जो है पैरामीटर्स, उसके जो आउटस्कर्ट्स में जो चीजें रिवॉल्व कर रही है, आपको डायनामिक्स का पता चल चुका होगा। ये 90 मिनट्स में एक आसान काम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्कशॉप की तरफ से सेटअप भी किया, और इसके साथ कुछ टूल्स हैं जो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, जिसके साथ आप अपनी वसीयत लिखने के काबिल होंगे। साथ देख लेंगे कि रिजल्ट मेरी मौत के नतीजे में मेरी जायदाद किस तरह से तकसीम होने वाली है। नेक्स्ट नेक्स्ट सरकार वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतबउल मय्यत सलासा, मय्यत के पीछे तीन चीजें फॉलो करती है मय्यत के पीछे। कबर तक तीन चीजें मैयत के पीछे जाती हैं, दो जो है वो पलट आती हैं और एक उसके साथ रह जाती है। यतबाहु अहलहु वमालहु वअमलहु, उसका खानदान, उसका माल और उसका अमल जो है वो उसके साथ साथ कबर तक पहुंचता है। यरजउ अहलहु वमालहु वयबका अमलहु, और एंड भी क्या होता है उसका खानदान और उसका माल जो है वो वापस आ जाता है और उसका अमल उसके साथ रह जाता है। तो अमल तो उसके साथ अगली दुनिया में चला गया। नेक्स्ट स्लाइड। जब ये वापस दो चीजें वापस आती है, कौन कौन सी? उसका माल और उसका खानदान। अब असल मसला जो है ना वो नेक्स्ट वो शुरू होता है कि अब ये माल इसके खानदान वाले हैं और उसका माल है, उसको कैसे तकसीम करते हैं। एक थोड़ा सा टेस्ट द वॉटर्स में जानने के साथ साथ आपको विरासत के कवानीन का अंदाजा है। फर्ज करें कि एक शख्स दुनिया से चला जाता है और उसकी नेक्स्ट क्लिप की उसकी जायदाद कुछ इस तरह से है, 10 लाख की जमीन जायदाद है, ठीक है, जिसमें से जो जरी जमीन है वो 5 लाख है, ठीक है, टोटल यानी टोटल एसेट्स उसके 10 लाख है, 5 लाख जमीन दरी जमीन है, 4 लाख घर है और 1 लाख का नकद है, ये उसकी बिलोंगिंग। और घर भी 50-50 अभी इसको छोड़ दीजिए, बाद में हम बात करेंगे। वरासा में उसकी दादी है, बाप माँ, एक जवान बेटा है, 2 साल की बेटी है और एक बीवी है। किसको कितना मिलेगा? बेटा बेटी को शायद ज्यादा होगा कंपैरेटिवली अदर रिलेशन। बेटा बेटी को ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर रिलेशन। और माँ बाप भी है, दादी भी है, वो तनहा कमाने वाला है, माँ बाप भी है, दादी भी है, जवान बेटा भी है, दोस्त जवान बेटा, यानी वो जॉब करता है बेटा,
डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर, माँ बाप का शायद हिस्सा ज्यादा होगा, उनकी तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बेचारी बीवी की भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बेटी की भी नहीं है। 20% आप बेटे को दे दें, बाकी 10% अगर इन्होंने शरीयत उतार दी होती तो तो ये तकसीम होती। बस देखिए हम जब इसको देखते हैं ना, हम फाइनेंशियल नीड को देखते हैं। अभी आपने जितने में बात की, आपने इसको कम जरूरत है, इसको ज्यादा जरूरत है, इसको कितना दे दिया जाए, इसको इतना दे दिया जाए। खुदावन ने आलम ने जब इसकी तकसीम की है, उसमें फाइनेंशियल नीड को नहीं देखा। एक बहुत सारे सवाल जो उठते हैं इसकी तकसीम में, वो इस वजह से था कि इस नुकते की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। वो कहते हैं, बीवी कहती है, वो भी कमाता है, मैं भी कमाती हूँ, हमें फर्क ही कर दिया गया, हम आप फाइनेंशियल नीड देख रहे हैं। ये गरीब बच्चा है, हम शरीयत ने ये नहीं कहा एक बेटा वेल ऑफ है तो उसको कम दे दो, ये बेचारा गरीब है तो उसको ज्यादा दे दो। बेटों में कितने बराबर तकसीम किया, ठीक है। तो फाइनेंशियल नीड को देखकर शरीयत ने इसे कानून नहीं बनाया, ये इम्पोर्टेंट है। काश के खवातीन भी यहाँ पर होती तो बहुत सारे नुकात जो है ना, वो शुबहात क्लियर होती है। एक इम्पोर्टेंट नुकता देने तो रखिएगा जी, हाँ अगर यहाँ पर भी लिखते हैं खवातीन अगर आना चाहें तो काफी शुबहात जो है वो खवातीन के भी जो मजबूत हैं इससे वो इनकम के आंसर मिलते हैं। ये इनकी विरासत के हिसाब से अपने जो सारे रिश्ते ये अलाइन है क्या, मतलब परसेंटेज के हिसाब से, क्या मतलब आपने दादी फिर बाप माँ, अभी तो मैं क्या, अभी तो ये वारिस हैं जो वो छोड़ के मरा है, मतलब इनको जो डिवाइड हो गई वो उसकी परसेंटेज के हिसाब से अलाइन है। नहीं ये सर तरतीब, ये सिर्फ रिलेशन है, ये रिलेशन इसको किसका मिलना है वो अभी हमें अंदाजा हो रहा होगा कि हमें किसी को भी फुली अंदाजा नहीं है कि बेटी को कितना मिलना है, बेटी को कितना मिलना है, दादी को कितना मिलना है, दादा नहीं है। अगर दादा भी अब जिंदा नहीं है ना, मैंने कहा ये जिंदा लोग ये आगे नेक्स्ट कर, अगर ये शख्स बगैर वसीयत के मर गया होता तो किसको कितना मिलना था, क्लिक कीजिए, बाप को 1/6 मिलना था उसकी जगह पर, माँ को भी 1/6 मिलना था, ठीक है, बीवी को 1/8 मिलना है, बेटी और बेटे को इतना मिलेगा कि बेटे को बेटी का डबल मिलेगा, डबल कॉल कीजिएगा। वो इस 10 लाख की तकसीम इस तरह से बनेगी, 1,66,000 बाप को, 1,66,000 माँ को, बेटे को 3 लाख, 3.5 लाख बेटी को, 1,80,000 बीवी को, अगर वो आयतुल्लाह सिस्तानी के फॉलोअर है तो 37,000 सारी जो है वो आयतुल्लाह खामनाई की तकलीफ में आ जाएंगी। और अगर हमने की तकलीफ में है तो 1,25,000 दादी को कुछ नहीं मिलेगा, दादी को सर ये परसेंटेज जो है शरीयत का कानून, शरीयत ने क्या 1/6 खुदा ने क्या 1/6 दिया है, कुरान की आयत है, कुरान की आयत 1/6 दिया है, अब वो खुदा ने किस चीज पे कैलकुलेट किया वो ना बेहतर जानता है, ठीक है। एक शख्स दुनिया से गया है, उसकी जायदाद 10 लाख रुपए है, 5 लाख जरी जमीन, 1 लाख नकद है, 4 लाख का घर छोड़ मरा है, और घर भी ऐसा है कि 50% इसकी कीमत, 4 लाख का घर है तो 2 लाख जमीन की कीमत है और 2 लाख ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है। और उसके जो वारिस हैं जो छोड़ के मरा है वो दादी है, बाप माँ, एक जवान बेटा, 1-2 साल की बेटी है, बेटे को पढ़ा चुका है, बेटी ने भी पूरी पढ़ाई करनी है, और एक उसकी जौजा है जो पीछे बाकी बची है। अगर ये शख्स बगैर वसीयत के मर जाता है तो तकसीम इस तरह से होगी, दादी को जिसको शायद सबसे ज्यादा जरूरत हो क्योंकि वो अपने सीनियर खातून है, सीनियर है, कमा सकती है, फुली डिपेंडेंट है, उनको कुछ उनके लिए शरीयत ने कुछ नहीं रखा। कि मैंने शुरू में कहा कि शरीयत ने इसकी तकसीम फाइनेंशियल नीड के ऊपर नहीं,
उसके लिए शरीयत ने और रास्ते रखे हैं, सदका है, वैसे सिले रहमी है, माँ बाप का एहतराम है, बड़ों बुजुर्गों का एहतराम है, उस मुनासिबत से आप हेल्प करेंगे दूसरे की, वो रास्ता बंद नहीं किया। लेकिन हम इसकी तकसीम की बात करते हैं, बाप को तकरीबन 1.5 लाख, माँ को 1.5 लाख, बच्चे की मरने वाले के माँ बाप का हिस्सा भी है उसकी जायदाद में, इसकी तरफ भी कम तवज्जो है हमारे माशरे में। बेटा बेटी को इतना मिलेगा कि बेटी को डबल मिलेगा, अगर बेटा पढ़ चुका है, जॉब कर रहा है, उसको 3.5 लाख और बेटी को 1.80, और बीवी को अगर अतुल्ला खानदानी की तकलीफ में है तो 1,25,000, अतुल्ला सिस्तानी की है तो 37,500। क्वेश्चन वन ऑफ ऑब्लिगेट जो आपने लिखे थे सिस्तानी साहब के साथ में कितना बनेगा? वन ये दोनों लेकिन इतनी जायदाद थी और जायदाद की ये डिस्ट्रीब्यूशन थी और वरसा की ये डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसमें अभी बेटे को ज्यादा मिलता है। ये एतराज भी गलत है कि बेटे को ज्यादा दिया जाता है इस्लाम में, ऐसा भी नहीं है, या मर्दों को ज्यादा दिया जाता है, ये भी ऐसा नहीं है। ये भी हम एग्जांपल और देखेंगे, फिर भी बेटी का कम हो जाता है, बेटे का भी कम हो जाता है। अभी हम वो केस कर रहे हैं आगे, नेक्स्ट, जब इस तरह की तकसीम होकर लोगों के फाइनेंशियल नीड्स पूरी नहीं होती, फिर नतीजे में हमारे माशरे में झगड़ा होता है, और झगड़ा फिर एक दफा नहीं कोई खत्म ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है, नसल दर नसल चल रहा होता है और आगे मुश्किल पेश आती है। नेक्स्ट, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए कुरान की एक आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, वमा काना लिलमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, नहीं है किसी मोमिन मर्द के लिए और ना किसी मोमिन औरत के लिए कि जब खुदा बंदे आलम फैसला कर दे, खुदा उसका रसूल किसी अमर में फैसला कर दे, यकून लहुमुल खियारा मिन अमरिहिम, कि उनको अपने अमर में अपने अफेयर में कोई इख्तियार हो। यानी अगर खुदा ने इसकी तकसीम का एक फैसला कर दिया तो फिर ये कहना नहीं मैं इसको नहीं मानता या मैं इसको नहीं मानती, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। खुदा कह रहा मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए हक नहीं है कि वो उसमें फिर नजार करे, खुदा फैसला कर दे। हमारे फैसले हम जो ऑब्जेक्शन करते हैं, अगर मसला आपको ये कहे कि खुदा ने तो बेटे और बेटी में 1:2 का रेशियो रखा है, मैं अपनी तकदीर में बेटे बेटी के बराबर दूंगा, ये एक तरह से जसारत है खुदा के कानून के मुकाबले में, कि आप समझते हैं खुदा ने गलत तकसीम की है और आप इसको ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये आप शायद की जद में आ जाएंगे, खुदा आलम कह रहा है के पास ये हक नहीं है कि वो ये काम करे, कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो झगड़ा हमारा इस वजह से होता है कि हम समझते हैं हमारे पास इख्तियार है, ये गलत है, हमने इसको ठीक करना है, ऐसा इसको इस तरह करें या इसको इस तरह करें, आगे चीज करेंगे। और ना ये कुछ तसव्वुर करें कि जो तकसीम इर्स की हो रही है वो फजीलत की बिना पर हो रही है, ना फाइनेंशियल नीड की बिना पर हो रही है और ना किसी के अजमत या फजीलत को साबित करने के लिए हो रही है, कि अगर बेटे को ज्यादा मिल गया तो बेटे को खुदावंद आलम बेटी की ज्यादा इज्जत है खुदावंद आलम की मिलती, इस वजह से फायदा कुदरत बड़ा क्लियर है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तुम्हारे खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा मुहतरम तुम में से कौन है, ये सबसे ज्यादा बात है, मर्द हो चाहे औरत। अगर दादी पिछले एग्जाम्पल में दादी सबसे ज्यादा बात तकवा होती उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, पहले एग्जाम्पल देखी थी उसमें दादी का कोई हिस्सा नहीं था, ठीक है। बेटा जो है वो बेनमाजी भी होता, एज लॉन्ग एज मुसलमान होता उसको उतना हिस्सा मिलना था, हिस्सा मिलना किसी की फजीलत या हस्ती की दलालत नहीं है। वो ये जो तकसीम है ये खुदावंद आलम ने अपनी मसलियत की बिना पर उन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिफरेंट लोगों के ऊपर रखी है उसको देखते हुए खुदावंद आलम ने अपनी मसलियत के मुताबिक तकसीम किया, हमारे पास नहीं है। हाँ, खुदावंद आलम ने हमें कुछ इख्तियारात जरूर दिए कि आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को कस्टमाइज कर सकते, कैसे वो सीखना इस वर्कशॉप में
ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, अगर फर्स्ट के ये शख्स, इस शख्स को इस डायनामिक्स का पता होता, ठीक है ना, आप वसीयत के बगैर मर गए तो ये इस तरह तकसीम होनी थी। अब आपको पता है मेरी दादी का ख्याल वाला कोई नहीं, इनको भी कुछ मिलना है, इनके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। आपको पता है बेटी ने भी पढ़ाई करनी है, कॉलेज करना है, यूनिवर्सिटी करनी है, इससे आपने खर्चा कर दिया या वेल ऑफ है, गुजारा कर लेगा, तो जरूर इतना सब है। अगर आपको आज कुछ हो जाए तो इसको इतना मिल रहा है, अपने बीवी के फ्यूचर को भी आप सेफगार्ड करना चाह रहे हैं, तो आप वसीयत को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं रिलीजियस रिलीजन के दायरे में रहते हुए। ये तकसीम कुछ इस तरह से बनते हैं। कैसे करना इम्पोर्टेंट है, कैसे करना इम्पोर्टेंट है वो सीखना, ठीक है ना। लेकिन ये आपको शरीयत ने आपको ये फ्रीडम दी है ये करने की, अगर आप बगैर वसीयत के भर गए तो ये होगा, ठीक है। तो इस बिना पर वसीयत शायद हम बहुत सौ की, और शायद ये बहुत सारी मुश्किलात का आपको आगे सॉल्व भी करते जो आगे होने थे, ठीक है ना। चार बेटे हैं या तीन बेटे हैं, एक ज्यादा जरूरतमंद है, शरीयत ने जो तकसीम की उसमें जरूरत का ख्याल नहीं रखता, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी जरूरत, इसको अगर इसको ये चीजें मिल जाए तो टका नहीं होगा। आप अपने वसीयत को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो अभी एक अलग मसला है, आप जरूरी नहीं है आपके लिए करना, लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल। ऐसा हो सकता है एक बेटे को ज्यादा दे दें, दूसरे बेटे को कम कर दें, वो शरीयत अलाउ जी इसके अंदर एक हद तक आपको इजाजत है अपनी जिंदगी में अगर कर दें, वो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बोल दीजिए क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन? नेक्स्ट, दादी को किस हिसाब से परसेंटेज दी, क्यों क्योंकि बेटा अभी आया तो दादी का बेटे पे तो नहीं आएगा ना जो इंतकाल कर, दादी का बेटा मौजूद है जिसको बाप बोला है, तो दादी को किस हिसाब से शरीयत में आप कर सकते हैं, वसीयत के थ्रू आपके इसको डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया, शरीयत में नहीं है, शरीयत में। नेक्स्ट, पहला सवाल बराबर वसीयत का था, वाजिब है या मुस्ताहब, कितने की है वसीयत कोई दूसरा सवाल करता हूँ, शादी करने का क्या हुक्म है, शादी करना वाजिब है या मुस्ताहब, मुस्ताहब अगर बीवी के या हम सर के स्पाउस के ना होने की वजह से मर्द हो या खातून हो गुनाह में कर पड़ने का खौफ हो, अगर ये खौफ नहीं, आज का जो सोशल मीडिया का जमाना है और जो सबके पास डिवाइसेस है, ठीक है ना, गुनाह में पढ़ने का खतरा, ये नहीं कहते खुदा ने करे जिना में पढ़ने का खतरा, ये नहीं, गुनाह में पढ़ने का खतरा, आंख का गुनाह, कान का गुनाह, हाथ का गुनाह, गुनाह में पढ़ने का खतरा हो तो वाजिब है शादी करना। तो जिस तरह से शादी के लिए आप उसका प्राइमरी हो, गुनाह पढ़ना वाजिब हो जाती है, इसी तरह वसीयत करना वाजिब नहीं है टू बिगिन विद। लेकिन अगर वसीयत ना करके बिना किसी का क्या हो जाएगा, फिर वाजिब हो जाएगा। मसलन आपने किसी का पैसा वापस करना है, आपने उसे कर्ज दिया, रिटर्न नहीं किया, आप इस दुनिया से चले जाते हैं, वो आके आपके वरासत से कहता है कि भाई मुझे इन्होंने 10 लाख रुपया मेरा कर्ज दिया, आप यहाँ पे प्रूफ दिखाओ, उसके प्रूफ भी नहीं है, आप तो नहीं देंगे, बच्चे तो नहीं रहेंगे, और लोग और आ जाएंगे, वो जस्टिफाइड है बच्चे अपने हिसाब से, लेकिन सबका हक मारा गया। तो इसी तरह नमाज आपके ऊपर अगर कजा है कोई, तो इन चीजों की वसीयत करना आपके लिए जरूरी हो जाता है ताकि किसी का हक ना मरे। अमेरिका में जो लोग रहते हैं वहां पर कानून क्या है,
अगर किसी को थोड़ा सा अंदाजा हो, वहां पर जब शौर का इंतकाल होता है सारी जायदाद ली जाती है, बच्चों को कुछ नहीं मिलता, ठीक है, बीवी का इंतकाल हुआ सारी जायदाद जायदाद शौर को, शौर का इंतकाल हुआ सारी जायदाद। कुछ तो हमारे लॉज भी जो है कंट्री के चेंज है, कुछ हमारे लॉज जैसे कंट्री में हमारे कंट्री में भी ऐसे कुछ ऐसे लॉज होंगे जो शरीयत से टकराते हैं, वहां पर अगर कोई मुसलमान शख्स मस्जिद ना करे और सारी जायदाद बीवी को मिल जाए, और मसलन बीवी की दूसरी सेकंड वाइफ थी, पहली वाइफ में बच्चे थे, बहुत हो गई, दूसरी शादी की, शौहर का इस्तेमाल होते हैं सारी जायदाद दूसरी वाइफ, बच्चों को कुछ नहीं मिलता, वो फिर आगे बच्चों को कुछ भी नहीं देती, उसको क्या अपने सुतेलो बच्चों से उसको क्या मोहब्बत है। तो वहां पर कानून या वहां पर एक शख्स अगर वसीयत नहीं करता ना करने की बिना पर कितनों का हक जाया हो गया, वो जो माल उसके पास खातून के पास आया है वो उसका अपना माल नहीं होगा, वो गस्बी माल है, हाँ वो अपने ऊपर खर्च कर सकती है ना इसको इस्तेमाल करने का हक है। नेक्स्ट वसीयत की कुछ लिमिटेशंस हैं, आप हर चीज में वसीयत नहीं कर सकते। देखिए जब तक आप जिंदा हैं आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे का पूरा इख्तियार रखते हैं, मर्द अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर और खातून अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर जो फैसला चाहे वो कर सकती है, वो किसी उसको खर्च करने के लिए, अगर बच्चे नाबालिग बच्चे हैं उनको वालिद की इजाजत की, अपने वली की इजाजत की जरूरत है, लेकिन आजाद मर्द और आजाद खातून अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती है। जैसे ही आपका ताल्लुक इस दुनिया से खत्म होता है, टूटता है, आप इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, आपका माल अब आपका माल नहीं रहा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकसान है, अगर ये आपको क्लियर हो जाए ना तो बहुत सारी चीजें जो आगे स्लाइड पे आनी है क्लियर हो जाएगी। एज सून एज यू लीव दिस वर्ल्ड, जैसे आप इस दुनिया से जाएंगे आपका माल अब आपका माल नहीं रहा, ऑटोमेटिकली वो शरीयत के कानून के मुताबिक जो उसके लीगल शरी वरसा थे उनके नाम ट्रांसफर हो जाता है, यानी फरिश्ते वो ट्रांसफर कर देते हैं, अब पेपर पे यहाँ पर कोर्ट में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, इस एक घर पे इस घर के अगर चार मालिक हो और इसके चार बेटे हो तो जब मालिक का इंतकाल होगा या दो बेटे हो और दो बेटियां हो तो जब इंतकाल होगा तो घर ऑटोमेटिकली इन चारों के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, काबिज इस पे एक है, बाकी बाहर मुल्क में किसी और जगह रहते हैं, काबिज एक है वो रह रहे हैं, वो दूसरों के हिस्से में रह रहे हैं, और जो तकसीम होती है शरीयत की वो इस तरह से नहीं है कि चार कमरे हैं, वो कहेगी कि मैं तो एक कमरे में रह रहा हूँ, चार फ्लोर हैं क्योंकि मैं तो अपने फ्लोर में रह रहा हूँ बाकी दो फ्लोर को तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं है। जो मौत के टाइम पर जब शरीयत दूसरों के हिस्से में ट्रांसफर होती है वो होती है जॉइंट पार्टनरशिप। जॉइंट पार्टनरशिप कैसे होती है कि आप मसलन अगर यहाँ पर चार ग्लास हों और चार मरने वाले के चार बेटे हों, इस एक ग्लास में चार हिस्से हैं, इसके भी चार हिस्से हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि अभी बाकी तो आई नहीं है ये ग्लास में उठा लेता हूँ, इस हर जगह जिस जगह पे भी आप उंगली रखेंगे उसमें चार हिस्से होंगे, अगर आप यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं इस नमाज वाले हिस्से में भी चार हिस्से हैं, और अगर बाकी लोग राजी नहीं है, मसलन बहन का हिस्सा नहीं दिया, भाई ने बहन मांग रही है वो डिले करी जा रहे हैं, और उसी का नमाज भी पढ़ रहा है और कहते हैं जी आपका हिस्सा तो मैंने छोड़ा पहला था, मैं तो अपने हिस्से में पढ़ रहा हूँ, ये बात नहीं कह सकता वो, क्योंकि जिस हिस्से में वो पढ़ रहा है वहां पर जहाँ सजदा कर रहा है वहां पर ही उसके हिस्से के साथ साथ तो वहां पर उसकी इबादत कबूल नहीं है, उसकी ना नमाज कबूल होगी वहां पर, ना हर वो मजलिस, ना हर वो इबादत जिसके लिए जमीन का मुगा होना शर्त है वो वहां पर उसकी कबूल नहीं है, उसके लिए जहमत है सवाब उस शख्स का है जिसकी जमीन आप इसी के लिए अपने सिर्फ थकावट पी रहे हैं खुदा से सवाब उधर जा रहा हूँ। औलाद के बड़े होने के नाते आती है या सभी इसके जिम्मेदार हैं? सब जॉइंटली बराबर के जिम्मेदार हैं। मतलब अगर ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर नमाज नहीं है सिलसिले में, इसका हासिल वो चाहे छोटा छोटा पड़े या बड़ा,
जी जब तक बाकी सब राजी नहीं है उस शख्स के वहां नमाज पढ़ने पर अनुवादी हो सकती है। सब राजी हैं तो हो सके, सब राजी हैं तो घर है उसमें मुझे चार बच्चे हैं, तो तीन बच्चे बाहर हैं, एक यहाँ पे रह रहे हैं। अगर सपोज करें तो बस घर है और वो रेंट पे चला गया, उसने दो फ्लोर और एक फ्लोर पे वो खुद रह रहा है, तो जो उसका रेंट आ रहा है वो फोर पार्ट या फिर जो है वो जो वहाँ पे रह रहा है उसका उसके पास चला जाएगा, जहाँ वो रह रहा है उसका भी बाकियों का हिस्सा है और जो दो घर उसका रेंट आ रहा है उसमें भी सबका हिस्सा, वो सब पे फोर इक्वली डिवाइड होगा, जो रह रहा है उसके लिए भी उसको दूसरे से इजाजत लेनी पड़ेगी कि मैं रह सकता हूं। एक भी अगर मना कर दे कि जो है तो आप नहीं, फिर वो गस्बी जमीन में साफ हो जाएगी और ये एक बड़ा मसला है, गुस्ल मैयत का गुस्ल भी नहीं हो सकता जब आप यानी आप ये सब इबादत पूरी साइड पे गई, आप सारी जिंदगी आप मस्जिद से कराए जो मर्जी कराए जितने मर्जी दीनदार बन जाए लेकिन आपस में वो बाकी के नहीं, आप जब तक आप पूरा घर इस्तेमाल करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सबको राजी होना पड़ेगा, एक पार्टी भी कहनी मैं नहीं राजी। जैसे अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी चल रही है उस वक्त तक, ठीक है उस वक्त तक ठीक है, उस वक्त कैसे प्रॉब्लम हो गई वो कहते नहीं आज के बाद में, आज ये इशू रेज हो कोई भी छोटा सा और कोई एक पार्टी बैग हो गई तो वो इशू स्टार्ट से स्टार्ट हो गया, नमाज उस टाइम के बाद से स्टार्ट हो गया उसका सलूशन ढूंढना। तो जॉइंट पार्टनरशिप का मतलब समझ आ गया, जब एक दुनिया से जाता है आपकी प्रॉपर्टी अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं रही, जॉइंटली सब वारसा की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बन गई है सरकारी खातों में, बाप ने बच्चे एक बेटे के नाम खरीद ली जमीन टैक्स से बचने के लिए या किसी और रीजन की वजह से, ठीक है और अंडरस्टैंडिंग यही थी कि बाप की है, अब वो जब दुनिया से गया तो बेटा कहता है तो मेरे नाम कॉमन, जबकि अंडरस्टैंडिंग बाप की है, अब जो गवर्नमेंट के खातों में उसके नाम चढ़ी हुई है वो किसी को नहीं, ना वो बच्चे कोर्ट जाके ले सकते हैं, लेकिन कानून खुदा में फरिश्तों में के खातों में वो तमाम बच्चों के नाम है और इसका वहां रहना वस्ती हिसाब होगा। अगर वाकई में शर होगा तो कोर्ट में जाते हैं तो वो फोर्सफुली होगा, अगर स्टैब्लिश हो जाए, स्टैब्लिश होने के ऊपर है ना, एक दफा के एस्टैब्लिश है मेरे वाले साहब ने मेरे नाम अकाउंट खुलवाया, मुझे पता है कि उन्होंने अपने पैसे रखे हुए हैं, मैं बात नहीं पेमेंट चेक की जाए वो हम वो एस्टैब्लिश की बात है कि एस्टैब्लिश हो सके तो फिर, अगर एस्टैब्लिश नहीं हो सका तो मैं तो खा जाऊंगा इस दुनिया में माल को लेकिन क़यामत में हिसाब देना होगा, है ना, यानी वो हराम खा रहा हूँ। वसीयत में अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो वसीयत में क्योंकि आपके मरने से पहले पहले माल के ऊपर आपका पूरा अख्तियार है, आप अपनी दुनिया में अपने माल से जो चाहे करें, शरीयत ने नहीं रोका, लेकिन जैसे ही आपकी आंख बंद होती है अब आप अपने माल के साथ कुछ नहीं कर सकते, इतना शरीयत ने आपको फ्री वे दिया है, फ्री हैंड दिया है कि आप अपनी जिंदगी में ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे मरने के बाद मैं ये शख्स वसीयत करता है मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मस्जिद को दे दी जाए, या मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी जो है वो इस बड़े इस बेटी के इस बेटी को दे दी जाए, या एक बेटे को आपने आख कर दिया, ये काम आप शरीयत के रूप से आप नहीं कर सकते, ठीक है, जो मरने के बाद उस प्रॉपर्टी नहीं, आप अपनी जिंदगी में दे सकते थे, आप अपनी जिंदगी में कहिए बेटी को दे दिया, सारा बेटी को दे दिया, कर सकते हैं अपनी जिंदगी में सारा मस्जिद को दे देंगे, कोई नहीं रोकेगा, अभी भी आप मस्जिद में जितनी मर्जी डोनेशन देंगे नहीं रोकता, ये सारा दे देंगे घर वालों को सड़क पे ले आए, शरीयत को पसंद नहीं करेगा लेकिन आपने अपना माल दे दिया मस्जिद, आप तक क्या था, इतनी शरीयत ने आपको इजाजत दी है कि मरने के टाइम मरने से पहले आप ये वसीयत कर सकते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का 1/3 कैसे इस्तेमाल होगा, ये खुदावंद आलम ने करम किया आपके ऊपर कि मरने के बाद जब आपका ताल्लुक खत्म हो गया था उस माल से तब भी आप उसके ऊपर
वन थर्ड के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन आप बना बता सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं कि मेरे वन थर्ड के साथ ये किया जाए पूरे माल के ऊपर। अगर आपने वसीयत की मेरा सारे का सारा माल मस्जिद को दे दिया जाए, नहीं दिया जाए, जिंदगी में भी लिख रहे हैं, जिंदगी में लिख रहे हैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगा बंदे के पास। अपनी जिंदगी में दे गए तो और बात है, जिंदगी में दे जाए नहीं, वसीयत के तौर पर देखिए, वसीयत के तौर पर लिखने का मतलब क्या होता है कि अभी मेरी है, मरने के बाद उसको मिले। वसीयत ये होती है अभी मेरी है, मरने के बाद ये करना। पाकिस्तान का कोर्ट एक्सेप्ट कर ले और बच्ची को मिल जाए, लेकिन वो उसके लिए हराम आ रहा है। वो तो यहाँ पे दुनिया के कामों के लिए आपको उसके लिए ट्रांसफर करनी है ना। कहते हैं ओनरशिप नहीं दी तब तक तो देखिए, अपनी जिंदगी में मन ओनरशिप दे रहे हैं वो तो आप पूरी की पूरी भी ले सकते हैं। आप ये कह रहे हैं मरने के बाद ओनरशिप जाए, कब हो गई? अभी हो गई नहीं, एक मिनट, हाँ तो मरने के बाद आप पूरी की पूरी नहीं कर सकते। आपने एक को भी डिवाइड कर दिया, आपने चार घर है, चार प्लॉट है, ठीक है, आपने कहा ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, वसीयत इक्वली डिवाइड कर दिया, ये वसीयत इनवैलिड है क्योंकि आपने अपनी पूरी जायदाद के ऊपर वसीयत करी। आपको अख्तियार कितने में कर दिया, ये वैलिड होगी अगर सारे बच्चे राजी हो जाते हैं। क्या बाप की ख्वाहिश थी, बाप की ख्वाहिश के एहतराम पे हम नहीं करते। लेकिन एक बच्चा भी कहते हैं नहीं मुझे तो हर प्लॉट, ये प्लॉट महंगा, ये इस इलाके में महंगा हो गया, जब कितनी बराबर थे अब फर्क टाइम के साथ आएगा कीमत में फर्क पड़ रहा। तो अगर एक भी राजी नहीं है तो वो ना इस बच्चे और ये एतराज करते हैं उसको गुनाह नहीं मिलेगा। साथ है उस बाप ने नाजायज काम किया, आपने हद से ज्यादा पे वसीयत कर दी, उसको हक नहीं। अपनी जिंदगी में उनके नाम लगा जाए तो कोई मसला नहीं है, फिर वो आपको वापस आए, मिले ना मिले, बच्चे क्या करते हैं आपके साथ, क्या करते हैं उस प्लॉट के साथ, क्या करते हैं, कोई गलता मसला। इसमें एक बात ये बताए, आपने जायदाद को दे दी चार आदमी को अपनी जिंदगी में, अब खुद अपने पास क्या है, कहाँ रहे? वो तो आपने सोच लेने से पहले सोचना था, बच्चे बारी कर लेंगे भाई, ये तो अब तो मिल गया, अब तो मिल गया, चले अब चले। पहला सवाल, क्या मैं किसी को इर्ज से महरूम कर सकता हूँ? नहीं। नेक्स्ट, क्या मैं इर्ज के कवानीन को बदल सकता हूँ? नहीं। आगे, शरीयत के खिलाफ वसीयत कर सकता हूँ? नहीं। शरीयत के खिलाफ क्या होगी, ऐसी जैसे सारी जायदाद आपने मस्जिद को दे दी, शरीयत के खिलाफ है, मस्जिद को दे रहे हैं, शरीयत के खिलाफ है, सारी नहीं, सारी आपके, मैं वन थर्ड अपनी शराब खाने को दे रहा हूँ, जुए खाने को दे रहा हूँ, ये भी वैलिड नहीं, क्योंकि आप शरीयत के खिलाफ काम में मसरफ कर रहे हैं, ये भी वैलिड नहीं। नेक्स्ट, पूरी जायदाद में वसीयत की दे रहा हूं, नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अब ये देखिए, वसीयत और विरासत अब कैसे वर्क करेगी? शख्स के मरने पर अगर ये उसकी पूरी जायदाद थी, पहला सवाल किया जाएगा उसने वसीयत की है या नहीं की। अगर तो वसीयत नहीं की उसने, तो इसके जो इस्लामी कानून है उसके मुताबिक तकसीम कर दी जाए या हो जाएगी खुद ब खुद, चाहे इस वक्त कोई काबिज हो या ना हो, जो भी हिसाब से तकसीम होगी। अगर उसने वसीयत की थी तो वसीयत सिर्फ वन थर्ड पे वैलिड होगी, वो वन थर्ड अलग कर ले, और जो बाकी टू थर्ड बचेगा
उस पे स्टेट्स के इस्लामी कानून लगाए और वो उसके मुताबिक तकसीम हुई। कॉम्प्लिकेटेड सिंपल है, किसको क्या मिलना। हाँ, दादी को शायद ना मिले, बच्ची आप उनकी जो नीड्स है उसका ख्याल नहीं है और तकसीम और अगर आप वरिड हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बिना पर, तो आपको फिर वसीयत का सहारा लेना पड़ेगा उनको कुछ ज्यादा देने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक एक कॉम्प्लिकेशन लेवल फर्दर क्वेश्चन था कोई। देखिए मौत के वक्त जो आपकी जायदाद है, आगे क्लिक कीजिएगा, इससे पहले के वसीयत की तौबत आए या तकसीम की बारी आए, पहले कर्ज निकाला जाएगा। पहला स्टेप, पहली डिडक्शन, पहला स्टेप आपकी प्रॉपर्टी पे आपका कर्ज। तो अगर आपने 10 लाख के मकरूज हैं, 10 लाख की जायदाद छोड़ के मरे हैं, तो सारा का सारा कर्ज की अदायगी में चला जाएगा, ना वसीयत पर अमल होगा ना ही वरासा को। और अगर वरसा साबित हो जाए, घर पे 10 लाख का कर्ज है, घर पे बैठे वो भी 10 लाख का है, घर को बेचकर मकरू से कर्ज अदा किया जाएगा, जो कर्जदार है उसे कर्ज अदा किया जाएगा। वो एस्टैब्लिश हो के कर्ज था, उसकी फैमिली जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, फिर देना तो है, ना हो तो फिर का मतलब उसको हक है कि दूसरे का माल जब्त कर ले, टाइम गेन करके दिया जा सकता है, वो उसको राजी करे, उसका हक है, उसे राजी करे। यहाँ पर खुदा बीच में नहीं है, यहाँ पर वो शख्स बीच में जिसके आप जिसके आपने कर्ज दिया उसको राजी करे, हकूक लिबास यहाँ पर है। वही फिर वही आएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उससे टाइम लें, उसे डिप्लोमेसी करें, वो अगर आपने राजी कर लिया तो तो फिर वो बच्चे के ऊपर फर्ज होता है कि वो अदा करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या आंसर है इसका? बच्चे ने बाप ने 12 लाख का कर्ज किया हुआ है, 5 लाख को ले जाता है छोटी मरा बच्चे को देना पड़ेगा, और अगर बच्चा मना करे 5 लाख देना पड़ेगा, बाकी उस पे तो पे बिल नहीं आएगा। बैंक का क्या बैंक बैंक वाले क्या करते, आप किसी को आपने किसी को लॉन मुझे लोन दिया, मैं नहीं पढ़ता, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट ही उनके पास होते हैं, डॉक्यूमेंट ले, डॉक्यूमेंट कम है, आपने कर्ज 1 मिलियन का है, डॉक्यूमेंट 50 लाख का है, ऐसे लोन जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी उसने रखवाई हुई है, अब या तो सिक्योरिटी को बैंक इन कैश करे, वो तो सिक्योरिटी रखवाई हुई है, वो डिफरेंट है। नहीं, मगर बैंक वाले ये भी नहीं करते ना कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ का लोन दे, वो 50 लाख देगा, लोन जो है वो किसी शख्सी लोन है, फिर सिंपल इसका आंसर जो हमारे माशरे में ये भी एक मुश्किल है कि जो शख्स कर्ज लेता है वो खुद जिम्मेदार उसकी अदायगी है, अगर वो दुनिया से चला जाता है तो मकरूज जो है वो जो कर्जदार है वो उसकी प्रॉपर्टी पे काबिज हो सकता है, उसका हक है, पहला कर्ज पहला आप जो है वो कर्जदार का है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी कम है उसकी लोन से अमाउंट से, तो बाकी के लिए वो बच्चों के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। केस टू केस वेरी करता है, 2-3 केस तो मैं पर्सनली फेस कर रहा हूँ। देखें भाई जो मेरे को है वो पेमेंट कर रहे हैं यहाँ के बैंक, वो बैंक वाला फोर्स कर रहा है शरीय लिहाज से, अगर वो अगर देखें अगर वो एक शख्स जामिन बन जाता है, गारंटर बन जाता है,
बच्चा ग्रेटर बन गया, बीवी ग्रेटर बन गई, ये नहीं दे सकता तो मैं मोबिलिटी स्टोर, लेकिन कर्ज मैंने लिया है बैंक ने मुझे देते हुए बच्चों से तो नहीं पूछा था, यही बात है ठीक है ना, बच्चों से तो नहीं पूछा था, बच्चे क्यों पैदा करें, बच्चों शरीयत के लिहाज से बच्चों ने अदा नहीं करना, हाँ बच्चे अदा नहीं करेंगे बाप की गर्दन फंसी रहेगी, क़यामत में बाप को उसका हिसाब उसके साथ चुकताना है, तो अगर बच्चे मोहब्बत करते हैं बाप से, वो मोहब्बत के तकाजों की बिना पर वो अपनी प्रॉपर्टी में से उसको उससे कर्ज को अदा करते हैं, आपके बाप को पुलिस थाने ले जाए तो आप कहेंगे भाई अपना माल भी बेच कर उनको बाहर निकालो, तो आपके वारिस वहां पर फंसे हुए, तो आप कुछ ना कुछ करेंगे उनको बचाने के, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिर अभी आपकी, वो आप अपना तकाजा है, अपनी मोहब्बत है, शरीयत नहीं कहती, शरीयत नहीं कहती, आपने जैसे अभी कहा कि शरीयत पाबंद नहीं करती, पाबंद नहीं करती कि नहीं तुम आप तुम्हारे ऊपर वाजिब है, तुम्हें अदा करना, जो हदीसें हैं कि जो है कर्जदार अगर कर्ज बाद मर गया तो ये अजाब है, ये अजाब है उस पर, अजाब है कर्ज, अगर मेरे वालिद ने लिया है और वो कर्ज अदा करके नहीं गए तो मेरे उनके ऊपर अजाब है, मेरी जिम्मेदारी तो कुछ बेटे होने की वाजिब नहीं है आपके, अच्छा चलिए वाजिब नहीं है, जिम्मेदारी बनती है आपको मोहब्बत का तकाज है, उनका हक है आपके ऊपर, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है कि आपने आप गुनाहगार हो रहे, तो कर्ज नस्ल दर नस्ल नहीं चलता, हमारे माशरों में है ना, जो दादा ने कर्ज लिया था वो बाप उतार रहे हैं, आप बेटे उतार रहे हैं, अब अगली नस्ल उतारती रहेगी, इसमें भी सेफ साइड है, तो प्रॉपर्टी रिलीज करानी है तो देना ही पड़ता है, इसमें अगर सेफ दुनियावी तौर पर अपने आपको सेफ करें तो वो भी जायज नहीं होगा, अगर जब तक वो कर्जदार आया आपसे मांगने के लिए, आपने वो बाप की जायदाद अपने नाम पे ट्रांसफर कर ली, हकीर आप करा नहीं सकते थे, आप हक नहीं था वो पहले उसका पहले ऑटोमेटिकली चली गई थी, नहीं अगर फट करे वो कर्ज मांगने वाला आया लेट और उससे पहले बेटे ने क्या किया कि वो उसको पता था, नहीं 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 पता, फिर भी वो आ गया पता चल गया कि जो मैंने काम कराया था वो गलत कराया था, फिर भी वो उसको देनी पड़ेगी, उसको आपने उसको गलत नहीं किया, उसने उस वक्त सही किया था, उसको नहीं इल्म था कि बाप के ऊपर कर्ज है, बाद में पता चल गया कर्ज है, बाद में पता चल गया कि जो मैंने काम किया था ये वैलिड नहीं था, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, गवर्नमेंट के पेपर में चढ़ गया उसके नाम, लेकिन अभी भी वो उसी का है, वो आके कह सकते हैं बेचो मेरा पैसा अदा करो, अगर ये नहीं करते तो फिर गस्बी जमीन में रह जाएगा, ठीक है नेक्स्ट, तो पहली चीज कर्ज की अदा होगी, अदाई की है उसमें क्या क्या आ सकता है, मसलन क्लिक करिए नेक्स्ट, हज अगर किसी हज एक मॉनिटरी ऑब्लिगेशन है, हज अगर अदा नहीं किया हुआ वो भी एक उस पर कर्ज है, विरासत की तफसील में पहले हज के लिए पैसा लेदा निकालेंगे, खुम्स नहीं अदा किया हुआ वो एक मॉनिटरी, अगर उसके खुम्स आते मेहर बीवी का मेहर नहीं दिया वो कर्ज है, माफ नहीं कराया हुआ तो आज आके माफ करवा ले, बल्कि अदा करना रिवायत में अदा करने की ज्यादा, एक शख्स ने बिजनेस स्टार्ट करना था, उन्होंने कहा कि मेहर की रकम से करो, ठीक है ना, वो मुबारक रकम है, ठीक है, तो इसके मेहर को माफ कराना कमाल नहीं है, मेहर को अदा करना कमाल है, अदा करने के बाद बीवी चाहे शौहर को दोबारा बख्श दे ना दे वो उसके अपना इख्तियार है, ये तो वो फजीलतों की रेस है ना, जो जिस रेस में जितना आगे जाना चाहे मर्द देकर अपनी फजीलत एस्टैब्लिश करे ना माफ करवा, अच्छा ये हज जो है उनकी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा दूसरी, जी जी अगर उसकी जिंदगी में हज वाजिब था और उसने नहीं किया तो बेटे को करना पड़ेगा, उसके माल से निकाल उतना हिस्सा जो उसकी मॉनिटरी जितना खर्चा है वो निकाल के किसी को भेजी, किसी को कैलकुलेशन नहीं है, कुम्स उसने नहीं दिया सारा जिंदगी पता के दिया नहीं, उसके अपने रूल्स हैं कि वो अहले कुम्स था नहीं था, उसके अपने रूल्स हैं, लेकिन अगर ऑब्लिगेशन है नेक्स्ट कर्ज देने के बाद फिर वसीयत की बारी आएगी, नेक्स्ट
उसी की तरफ आ रहे उसी की तरफ। अगर आपको इसके अहकाम का भी पता हो आपको पता ये हो कि किसको कितना मिल रहा फिर आप इस अमाउंट को आपको पता आप यहाँ पर कितनी अलाउंस है आपके पास इसको यूज करते हुए आप ये सारी रकम इसको देते हैं इसको देते हैं इन दोनों में तकसीम करते हैं तीनों में तकसीम करते हैं ये आप कर सकते हैं। इस वन थर्ड के ऊपर आपका फुल अख्तियार है। वन थर्ड किसी एक को भी दे सकते हैं बिल्कुल मस्जिद को भी दे सकते हैं मस्जिद को दे सकते हैं कहीं भी दे सकते हैं जो आपका वन थर्ड आप इस वन थर्ड को देखिए अगर अगर ये बेटा है और तीन बेटियां हैं तो डबल मिल रहा है ना आप ये वन थर्ड को यूज कर सकते हैं इनको कितना देने के तीनों चारों का बराबर हो जाए ये कर सकते कोई हल्का है उसको सारा ही उसके देखें उसके असरात क्या होंगे कल को आपस में बच्चे कहेंगे बाप उसको ज्यादा मोहब्बत करता था वो उसको ज्यादा दे दिया बाप के बाप ने वो आपस में चले सी और ये चीजें पैदा हो सकती हैं ठीक है लेकिन हक है आपके पास अगर आप इस तरह से करेंगे तो उसके जो दूसरे नतीजे हैं उसको आपको देखना है इस तरह देंगे उसको फिर किसी बाकी को पता ना चले ठीक है ना वो उसको आपको हिकमत और विजडम के साथ जो मैयत है उसका भी तो कर्ज होगा किसी के ऊपर मतलब किसी ने उसका देना जी जी जो उसने देना है वो सारा ऑटोमेटिकली मैयत के वरसा के पास अलग उसके वो मैयत के वरसा ने इनहेरिट कर उनमें भी वही कैलकुलेट वही उसी तकसीम के साथ। और एक बात और याद रखिए कि जो आपने मैयत आपने किसी को टाइम दिया दो साल बाद कर्ज वापस करना और शख्स मर गया तो वो फौरन वापस करना होता अब वो दो साल का टाइम बाप ने दिया था आपको दुनिया से चला गया वरसा के साथ नए सिरे से डील होगी वरसा कह सकते हैं अभी वापस करो मतलब लोगों ने मुझे देना है हाँ मैंने दो साल बाद टाइम दिया था आपको देने का मैंने लिया था कि दस साल बाद वापस करूंगा आपका इंतकाल हो जाता है बच्चे कह सकते हैं आप वापस करो जी तो हमें क्या वाले के ऊपर नहीं वो आपका फौरन बन जाएगा वो दोबारा से एग्रीमेंट का होगा कि हमें टाइम चाहिए वो अगर दे देते हैं तो मरने पर विकालत जितनी आपने विकालत पावर पटरनी होती है खत्म हो जाती है ठीक है ना जितने आपके लोन होते हैं उनको उसकी डेडलाइन आ जाती है डिमांड करने वाले बैंक है वो आपको टाइम देते हैं ये सबसे अहम पिक्चर है अगर आप क्लियर हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। नेक्स्ट अच्छा विरासत क्या है काम को पीछे साइड कीजिए जरा ठीक है ये समझना जरूरी है कि आप किस तरह आपकी डिवीजन तकसीम होगी ये भी आपको समझ आ जाएगी नंबर पता चल जाए और ये वन थर्ड आपको पता चल जाए तो वसीयत लिखना आसान क्यों आपको पता है क्या लिखना है। नेक्स्ट शख्स दुनिया से चला गया उसके वारिस हैं नेक्स्ट जितने भी आपके रिश्तेदार हैं खुदा ने आलम ने उन्हीं रिश्तेदार हैं खुदा ने आलम ने उनको तीन लेयर्स में तकसीम की है तीन कैटेगरीज बनाई है करीबी रिश्तेदार हैं तो जरा दूर के रिश्तेदार हैं फिर जरा दूर के रिश्तेदार ठीक है इसको हम कहते हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री तीन लेवल्स हैं कुरान की आयत भी सूरह अनफाल औजु बिललाह मिनश शैतानिर रजीम व औलुल अरहाम बअज़हुम औला बिबाज़ बाज़ बाज़ से ज्यादा हकदार की किताब अल्लाह की किताब में अल्लाह के कानून में बाज़ को बाज़ का ज्यादा हक है इस बिना पर आपकी शरीयत में जो रवायात आई हैं और इस आयत को देखते हुए तीन लेवल्स बने उन लेवल्स को अगर आप समझ लेंगे तो विरासत का क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है वो हमेशा इनहेरिट करेगी ठीक है वो जो खूनी रिश्ता जरूरी नहीं है खूनी रिश्ता वो रिश्ता क्लोजेस्ट रिश्ता बीवी का रिश्ता क्लोजेस्ट रिश्ता होता है शोहर का रिश्ता क्लोजेस्ट रिश्ता है इनके हिसाब से सबसे क्लोज है बाकी कितना कच्चा रिश्ता है वो तो कुछ जुमलों से टूट जाता है वो इतना क्लोज भी है कि वो किसी और से उसके वो ताल्लुकात में से जो वाइफ पास
देखिए बहन भाई का रिश्ता आप तोड़ नहीं सकते, माँ बाप का रिश्ता टूट नहीं सकता, जो मर्जी कर ले आप, ठीक है। तो देखिए रिश्ते जो है ना, शरीयत ने जो रिश्ते बनाए हमारे, कुछ रिश्ते खूनी हैं और खुद कुछ रिश्ते जो है ना वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, अक्द की बिना पर है। बीवी का रिश्ता अक्द की बिना पर है, ठीक है, और वो टूट सकता है, बन सकता है, किसी से भी बना ले, किसी से भी तोड़ ले। खूनी रिश्ता इस तरह खुद से नहीं बनता, ठीक है। जो आपकी शरीक हयात है, टाइम हस्बैंड हो या वाइफ, वो हमेशा आपकी प्रॉपर्टी से इनहेरिट करेंगे। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम खूनी रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो पहले लेवल पे आते हैं, तीन लेवल्स हैं, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। जब तक लेवल वन में से अफराद मौजूद हैं, लेवल टू वाले एयर्स नहीं लेंगे, तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। खैर ये बात में क्लियर करती है, पूरी पूरी हो जाए ना इश्यू, ठीक है। ये औलाद की औलाद लेवल वन में जब तक अपराध मौजूद है, लेवल टू वाले डिस्क्वालीफाइड है। लेवल वन में कोई नहीं है, लेवल टू वाले हैं, लेवल थ्री डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो पहले इनकी बारी है, अगर इनको मिल गया, अगर इनमें से कोई एक शख्स भी है, सारा का सारा उसको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं है, फिर इनकी बारी आएगी। इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तो इनकी बारी आएगी। लेवल वन में कौन कौन है? माँ है, बाप है, बेटे बेटियां, और फिर पोते पोतियां, बीवी नहीं है। देखिए बीवी खूनी रिश्ता नहीं है, ये हम खूनी रिश्तों की बात कर रहे हैं। बीवी ने तो अलहदा उसका शेयर आई है, वो तो रिगार्डलेस उसको मिलना ही मिलना, लेवल में उसका शुमार नहीं, आपका दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, ठीक है, भाई है, भाई के बच्चे हैं, भतीजे है, बहन है, और उसके बच्चे है, भांजे है, नाना नानी, नानी और उनके मामू नहीं है, मामू मरने वाले के मामू हो गए, मरने वाले के भाई, चाचा हुआ ना, चाचा हुआ, मामू, मामू तो बीवी का भाई, आंटी मरी है उनके भाई, हाँ आंटी मरी है उनके भाई, मामू मामू बना जाता, मरने वाले के हिसाब से देखे ना, मरने वाले के बहन, मरने के हिसाब से देखे, मरने वाले के बहन भाई दोनों, शख्स मरेगा या फूफा फूफी हो गया, चाचा हो गया, उधर से मामू कहने ना, नाना नानी और उनके अबा, तो नाना नानी नहीं है तो उनके अबा, वही मामू, उनके माँ बाप, उनके बाबा, उनके वाले, अच्छा, दादा अपा दादी, वो जिंदा हो, वो भी सेकंड लेवल के, जी जी वो भी सब सेकंड लेवल, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नुकता है, आज हमारी पूरी होगी नहीं, 11 बजे तक, 11 बजे वाले आपके साथ एक ऑनलाइन रख लेंगे, टाइम मिल जाएगा, जब आपने इंटरेस्ट इतना पैदा कर दिया, सेकंड रखनी पड़ेगी, ये तो सारा का सारा जाता हुआ नजर आ रहा है, तो हाथ में तो मेरे कुछ नहीं आता, हाथ में कुछ नहीं आ रहा, मर गए तो फिर हाथ तो कुछ नहीं है, मर गए तो अमल तो बाकी के पास। देखिए इसमें जो एक अहम नुक्ता, एक स्लाइड, एक और, लेवल थ्री में कौन है? लेवल थ्री में चचा और उनके बच्चे, मरने वाले के मामू आ गए, मामू आ गए, मरने वाले के वाले, ठीक है, पुपी आ गई, और वो लेवल थ्री, लेवल थ्री, लेवल टू तक ही जाएंगे, लेवल वाले के वाले जी, मामू और उनकी औलाद, मुझसे तो इसमें मैं खा रहा है, खाला की औलाद है, मैं मामू से तो जो लेवल वन और लेवल टू में वाले अफराद हैं तो नहीं मिलेगा, पहले ही वाला है तो फिर दूसरे वाले को भी ना मिलेगा, पहले वाले को पारित करवाएं पहले, तो ये फिल्म का प्लॉट बन जाएगा, पहले को निकालना है, पहले वाले को पारित करेंगे तो सेकंड में आएंगे, सही, ठीक है, लेवल टू बहुत बड़ा है जी, नहीं लेवल टू बहुत बड़ा है, लेवल थ्री तो फिर सही है,
एक केस होगा मुश्किल से दादा में एक केस ऐसा आएगा। देखिए एक बात और, एक बात और याद रखिए, जिस तरह ये इम्पोर्टेंट नुकता है, ये भी हमारे माशरे की एक मुश्किल है, जिस तरह लेवल वन लेवल टू को ब्लॉक कर देते हैं ना विरासत से, लेवल टू लेवल थ्री को ब्लॉक कर देते हैं, इसी तरह बेटा अगर जिंदा है तो पोता ब्लॉक हो जाता है, जो थोड़ा सा दूर का रिश्ता एक स्टेप फर्दर है ना, है वो लेवल वन में, लेवल वन के अंदर भी लेयर्स हैं। तो अगर मरने वाले के माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है, एक बेटी जिंदा है, बेटा का इंतकाल हो चुका था, उसके दो बेटे आ गए, होता है बेटे का इंतकाल बाप की जिंदगी में हो गया, इस हिसाब से देखे होंगे। अब बाप का जब इंतकाल हो रहा है तो माँ को मिलेगा, बाप को मिलेगा, बेटी को बेटी की फैमिली को भी नहीं मिलेगा, बेटी के बच्चों को, बेटी को मिल जाएगा आगे, वो जब मरेगी तो बच्चों को मिलेगा, वो ऋषि अभी उसको भी डिस्कस करेंगे कि, लेकिन टेकोली का आदत तो है उसमें भी जरा बेटी की नाम बेटे मरेगी किसी अमर जीत में ये अंडरस्टैंड ये तक वहां पर वसीयत को इस्तेमाल करो, या अपनी जिंदगी में दे जाएं, अच्छा या अपनी जिंदगी में दे जाएं या वसीयत में लिख के जाएं, बेटे का शेयर नहीं दे रहे, अपनी वन थर्ड के ऊपर जो आपके पास अख्तियार है उसको यूज करें। बेटे का उसकी अच्छों के बेदार और बेदार अगर कोई औलाद ना हो तो फिर मिल जाएगा। हाँ, अगर कुछ बेटा बेटी दोनों फौत हो गए हैं, मतलब इस नवासे हैं, सिर्फ पोते पोतियां हैं हमको, उनको मिल जाएगा, वो जो भी रिश्ता जो शरीयत में करना है वो सब सबको मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर दादा हो जाए म्यूचुअली जो मर्जी करें, म्यूचुअली आप जो मर्जी करें, वो तो कुछ भी कर सकते, म्यूचुअली जो मर्जी करें। हेलो हेलो जी जी कह रहे इधर क्वेश्चन आपका है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ वो बिल्कुल वो चाहे भी उनको देना, अगर सब मिलकर कहते हैं कि हाँ हम पोते पोती को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, शरीयत खुदा को एतराज नहीं अगर सारे राजी। इन केसों में से वो उसको मिल जाएगा, लेकिन इसका हिस्सा माँ का हिस्सा इस तरह से कैलकुलेट होगा जैसे वो नहीं, अगर तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा वीटो कर दे, बेसिकली सबको अपना अपना ऐसा मिला, उनको कुछ नहीं मिला, आप अपने हिस्से में से चाहते हैं कि उनको कुछ दे दें, जितना मर्जी आप सारा हिस्सा दे दें उनको, ठीक है।
लेकिन वो आपके पास कोई चीज आ जाए फिर जेब से निकालना इतना आसान नहीं होता है। जब आपके पास नहीं आ गया ठीक है दे दो मुझे, लेकिन आपके पास से आके निकलना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल है। और ये टेस्ट उस वक्त होता है जब इंसान सिचुएशन में पड़ता है। और कोई क्वेश्चन? और ये जो है बस्ती तक उनका मुस्तहिक है और वो इसमें ये कोई मसला नहीं है की जाए या ना की जाए, और उसको कुछ कंडीशंस में मुस्तहिक है कुछ कंडीशंस में वाजिब। कितने खुद रखा हुआ कितना कितना किसको मिलना है मिल जाएगा, मगर ये कि आप किसी को ज्यादा देना चाहते हैं किसी की जरूरत का ख्याल रखना चाहते हैं तो फिर आपको वसीयत के थ्रू उसको इस्तेमाल। आपके अभी बेटे का एक्सीडेंट हुआ तीन बच्चे हैं आपको पता बाकी किसी ने नहीं देना, और होता है ऐसा हमारे अपने फैमिली में केस है बेटे का इंतकाल आपकी जिंदगी में हो गया उसके यतीम बच्चे थे बाकी भाई ने हमने नहीं देना इसको इनका हक नहीं बनता। ठीक है तो वहां पर आपके लिए फिर भी वाजिब नहीं है कि आप वसीयत करें हमको दें, लेकिन आप क्योंकि उनको पता है इनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं आप अपनी जिंदगी में दे दें। जो माल छोड़ा हुआ है दुनिया में उसके पीछे तो झगड़े हैं, जो माल छोड़ा हुआ है उसके पीछे झगड़े तो लाजमी है, तो वो कब्र में कैसे सुकून से रहेगा? तो मुस्तहिक कर समझा जाए उसको वसीयत को। देखिए वसीयत अगर लिखी गई है तो उस पर अमल करना बाकी के लिए वाजिब है। ठीक है आपके लिए वसीयत लिखना मुस्तहब है। यार ये लोग बोले पासपोर्ट नहीं दे रहे क्या पासपोर्ट चेंज नहीं हुआ वाजिबन कर सकते हैं फिर उसके इनहेरिटेंस की तफसील पहले वाजिब। हेलो मैं कह रहा हूँ वो किलो कह रहे हैं पासपोर्ट नहीं ले रहा हूँ इसमें से ना दे इसमें से देना जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी यतीम परवरी और आपका अपना खानदान वो एक लगता है सवाल के जरिए से नहीं दिया लेकिन वसीयत के जरिए से दरवाजा तो खुला रखा था, दे तो सकते हैं आप दे तो सकते हैं वो ही गलत है, लेकिन आजकल जो चीजें फराइज में है वो नहीं देते लोग, लेकिन साइड में क्या सोचेंगे? नहीं देखिए ये ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा। आप कहेंगे अच्छा उसकी दादी भी जिंदा थी उसकी हमसाई भी जिंदा थी जिसको सारी उम्र वो सपोर्ट करता रहा उसको भी दे दिया जाए, वो स्कूल को भी चलाता था वो यतीम खाने को भी चलाता था उधर भी दे दिया जाए, फिर तो ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा ना, इसीलिए वसीयत का रास्ता। वसीयत का रास्ता खुदा ने रखा है आपके लिए कि आप उसको यूज करें, और इसीलिए अगर आपको ये इन चीजों का पता हो कि मैं वसीयत के लिए कर सकती हूँ शरीयत कानून के मुताबिक नहीं मिलेगा उसको, ठीक है तो मुझे इस तरह तकसीम करना है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इम्तिहान भी है हमारा, इम्तिहान भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड लेवल वन में माँ बाप बेटा बेटी और उनके फिर आगे बच्चे हैं, लेवल टू में जो है वो एक लेवल ऊपर चला जाता है दूर का रिश्ता हो गया नाना नानी दादा दादी बहनें आ गई मैयत की भाई आ गए इनके बच्चे आ गए, और इसी तरह लेवल थ्री में और फर्दर हो जाएगा। 10:40 अब 11 बजे बंद कर देते हैं, फिर बाकी दूसरा पार्ट जो है वो ये तकरीबन 1.5 घंटा लगता है इस वर्कशॉप में, और अगर सवाल जवाब के साथ जाके 2 घंटे इसलिए 8:30 से 10:30 हमने टाइम रखा था, अभी आगे और काफी सवाल अभी और आएंगे।
इम्पोर्टेंट उन्हीं रिश्ते का हमने सारा समझ लिया। अब रह गया आपका स्पाउस, क्यों कोई रिश्ता नहीं है, वो अक्द की बिना पर रिश्ता है, उसकी तकसीम की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर बनने वाली खातून हो तो उसके शौहर को आधी जायदाद दिया, नेक्स्ट। अगर मरने वाले खातून हो और खातून के बच्चे हो, खातून जो है वो बच्चेदार हो तो खावन को 1/4 देगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि मरने वाले की के बच्चे हैं। तो बच्चे भी उसी के हैं, बाप के, जरूरी नहीं है उसी बाप के, जरूरी नहीं है। और शादियों के इधर उधर चले गए तो उधर उनका शौक, बेटी का शौहर और बेटी डिमांड तो आई नहीं, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर चले गए से मरे, अगर बच्चे हैं बे औलाद है या औलाद हो, चाहे बच्चे हों और वेल ऑफ हों, तब भी बाप को के हस्बैंड को 1/4 मिलेगा अगर औलाद है, बाकी बच्चे को मिलेगा। अगर बच्चे नहीं है बिल्कुल बिल्कुल देना तो उसको 1/4 मिलेगा अगर बच्चे हैं। नेक्स्ट, क्लियर हो गया। तो हस्बैंड को वाइफ से या आधा मिलेगा उसका जायदाद का या 1/4। और शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी को कितना मिलता है? 1/8। अगर बच्चे नहीं है मरने वाले के तो 1/4 मिलता है, 1/4। ठीक है, और फर्क नहीं पड़ता दो बीवियां हो, तीन बीवियां हो, चार बीवियां हो, तो हाफ हो जाएगा, सबको उसी के हिसाब से इक्वली डिवाइड हो, वो 1/4 सब में डिवाइड होगा, 1/4 सब में डिवाइड, 1/4 सब में डिवाइड होगा, मतलब 1/4 सब में डिवाइड, 5 लाख रुपए बना है तो 5 लाख डिवाइड होगा 3, मतलब 1.5 लाख रुपए, चार बीवियां 4 लाख बना है तो 1 लाख चला गया, 1 लाख सबको मिलेगा, सही का डिवाइड हो जाएगा जी। मैं और मैं उसकी इको कर रहे हैं, सब में डिवाइड है, 1/4 के अलावा जो अमाउंट है वो पूरी रिश्तेदारों में लेवल 1/2 हो जाएगा, लेवल 1/2 में। अगर किसी कपल की डिवोर्स हो गई और आपके एक हस्बैंड है तो उसके साथ अगर आपके बच्चे रह रहे हैं तो मरने वाले खातून की उसके अंदर, एक मिनट, डिवोर्स हो गई है, बच्चे किसके हैं? दोनों के हैं, हस्बैंड वाइफ, मरने वाला कौन है? बच्चे हस्बैंड के साथ, फर्क नहीं पड़ता बच्चे जहाँ पर भी हो, मरने वाले की खातून है उसके हस्बैंड को, देखिए उसके हस्बैंड को डिवोर्स हो चुकी है तो हस्बैंड तो है नहीं, वो करंट हो सकता है कोई और, उनकी और औलाद है। जी जी, तो करंट हस्बैंड एक्स हस्बैंड को नहीं मिलना पड़ेगा, जो उसके जो उसके वाकई बच्चे हैं माँ के, जो मरने वाले के अपने खूनी बच्चे हैं, मरने वाले के बच्चे को मिलना है। जो उसने नई शादी की है उसके किसी पेरेंट पुरानी पहली बीवी से माँ बाप जहाँ मर्जी रहे, तो इसी के बच्चे हैं ना, खातून के बच्चे हैं ना, और फिर दो नए बच्चे आ गए, तो चार बच्चे हो गए, बच्चों को मिलेगा, सब बच्चों को मिलेगा, जो इसके बच्चे हैं, जो इसके बच्चे कहलाएंगे उसको मिलेगा, शौहर को वही शौहर जो इस वक्त उसका करंट शौहर होगा उसको मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मरने वाले के बच्चे हों तो बीवी का हिस्सा 1/8, फर्क नहीं पड़ता कि एक बीवी हो के दो बीवियां हो चार बीवियां, 1/8 सब में डिवाइड हो गया। रसूल खुदा का जब इंतकाल हुआ था कितनी बीवियां हयात थी उनकी, रसूल खुदा का जब इंतकाल हुआ था कितनी बीवियां हयात थी? 9 बीवियां, तो इस हिसाब से वो 1/8 कितनों में तकसीम होना चाहिए था? 9 में। एक का हिस्सा 1/72 बनता है,
महरूम जना में सैयदा को कर दिया गया, बाकी बीवियों को अब उन्होंने अपने हिस्से से कितना ज्यादा उनके हिस्से में आया करके देखेंगे। ये फाइनल चार्ट है, इसको हम खत्म कर रहे हैं, टाइम खत्म हो रहा है। शोहर लिखिए, शोहर को अगर मैयत बे औलाद हो, मरने वाली की औलाद ना, वन हाफ मिलेगा, अगर वो औलाद हो उसके तो वन फोर्थ हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह बीवी वन फोर्थ होगा, अगर औलाद है मैयत वाले की तो उसको वन एट मिलेगा। यही पर हम खत्म करते हैं, ये हमारे वर्कशॉप ये दो दिन पे टाइम शॉर्ट हो गया, एक चल बात पड़ी तकरीबन 40-45 मिनट का भी मैटर और है, अभी बहुत चीजें आनी थी जो इसमें असल में नॉर्मली जो होता है वो ये कि जो जिंदगी में ही अपने नाम मतलब अपनी मर्जी से किसी और के नाम पर ले चले जाते हैं। जो बीच में आएगा वो सवाल करने पर चल गया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन इंशाल्लाह वो भी एक आ रहा था कि आपने हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी तो नहीं है, हालात हो ना, किसी के दो बेटे हैं, किसी के पांच बेटे हैं, किसी एक बेटी है, किसी एक बेटा है, किसी बीवी है, किसी की नहीं है, किसी के शौहर मर गया, किसी बीवी मर गई, डिफरेंट सिनेरियोज में आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है कि वो भी आप इस केपेबल हो जाएंगे खुद कैलकुलेट कर लें, अपनी तादाद को देख लें, वन थर्ड को देख लें, डिविजन किस तरह होगी उस डायनामिक्स के मुताबिक उसको भी कैलकुलेट, फिर अपनी वसीयत लिखिए, फिर टाइम है वसीयत लिखने का, अभी आप वसीयत लिखिए, क्या लिखेंगे उनकी शेयरिंग वो इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो फिर एक बुलंद आवाज से सलावत पढ़ दें। आ जाए एक जरा पिक्चर हो जाए, आ जाए सब लोग आ जाए।